हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट थर्ड है। दोस्तों, सभी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे एसएससी हो, क्लर्क हो, पटवारी, शिक्षा हो, बैंक की हो, कुछ भी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहाँ पाया जाता है। दोस्तों देखिएगा, जो बाघ गुफा है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कहाँ? धार में है। दोस्तों देखिएगा, ये जो गुफाएँ हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है और माना ऐसा जाता है कि जब बौद्ध धर्म का यहाँ पे लॉस हुआ, हानि हुआ, जब क्षीण हुआ, उसके बाद इन गुफाओं में बाघ रहने लगे और इसी वजह से इन्हें बाघ की गुफाएं बोला जाने लगा। और जो इसके बाजू से एक नदी बहती है तो इसी का नाम भी बाघ के नाम पे पड़ा है, मतलब उसका नदी बाघ नदी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंस को सम्राट किसके दरबार में भेजा था। देखिए दोस्तों, 1608 में जो कप्तान विलियम हॉकिंस रहे हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था। देखिएगा, 1608 में जहांगीर के दरबार में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने भेजा था। और देखिए, जो विलियम हॉकिंस हैं इनको तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था और जहांगीर को भी था, तो इसलिए इनकी काफ़ी बनती थी। इनको अंग्रेजी खान का भी नाम जहांगीर ने उपनाम इनको संज्ञा दिया था। दोस्तों देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश सरकार, इसके बीच आप अंतर समझिएगा। 1857 की क्रांति के बाद होता क्या है कि जो इंग्लैंड या ब्रिटिश जो सरकार है उसके हाथ में भारत की सत्ता चली जाती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कौन कब्जा किया था, कौन पूरा रूल चला रहा था, वो चला रही थी कंपनी, जैसे कोई एक देशी कंपनी होती है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों देखिएगा, ये जो भरहुत का स्तूप है ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है और यह मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आए दिन देखिए दोस्तों, इसका जो हानि है और इसका जो क्षीण है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ये अब उजड़ चुका है। अगला है दोस्तों, ये सतना में है। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में उदयगिरि की गुफाएं हैं। जो उदयगिरि की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट हैं। विदिशा के निकट ये उदयपुर की गुफाएं हैं और उदयगिरि की गुफाओं में जो भगवान विष्णु हैं उनका वराह अवतार का आप चित्रण यहाँ पे देख सकते हैं। ये हिंदू और जैन धर्म से ये प्रमुखतया संबंधित है, एसोसिएटेड है। यहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं उनका भी यहाँ पे कुछ, उनकी भी यहाँ पे निशानियाँ हैं। दोस्तों इसका सही आंसर विदिशा हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपके सामने जल्दी से मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने ऑप्शंस बोल के रिपीट नहीं कर रहा, बल्कि आप अपने मन में चूज कर लीजिए कि कौन सा होगा। मैं तत्काल जल्दी जल्दी मैं इसका आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो हैं भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति। देखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी ये भारत की राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं। इससे पहले ये झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभाली थी और सीजी के भी, छत्तीसगढ़ के भी। दोस्तों ये ओडिशा की ये विमेन हैं और ये प्रतिभा देवी पाटिल के बाद जो भारत की महिला राष्ट्रपति हैं वो दूसरे नंबर की बनी हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 1 नवंबर को। 1 नवंबर को भाषाई आधार पर जब राज्यों का गठन किया जा रहा था, उसके बाद 1 नवंबर को कई सारे राज्यों का गठन किया गया और उसमें से मध्य प्रदेश का भी गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो 1 नवंबर सही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, जब अकबर जीतता है गुजरात तो वो अपनी जीत का एक जश्न मनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा स्थापित करता है और ये कहाँ होता है? फतेहपुर सीकरी में। तो ये कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। और आप यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा की जो पिक्चर है वो देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को शादियाबाद के नाम से जाना जाता है? देखिएगा दोस्तों, जो शादियाबाद है इसका नाम, इसका मतलब होता है खुशियों का शहर। और यह जो मांडू है, मांडू वर्तमान का ये धार में है मांडू, और इसका आप मांडव नाम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको जहाज़ महल, हिंडोला महल, शाही हमाम और आकर्षक नक्काशीदार गुंबद वाले वास्तुकला के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो उसे शादियाबाद के नाम से जाना जाता है, मांडू को जाना जाता है, इसे आप मांडव ही बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में लोक रंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये लोक रंग जो है ये भोपाल में किया जाता है। इसमें
तरह तरह के जो जनजातीय शास्त्रीय आदिवासी लोक नृत्य कला जो प्रदर्शन होता है वो किया जाता है, ये भोपाल में होता है। एंड एज फॉर एज माई नॉलेज दोस्तों ये श्यामला हिल्स के आसपास कहीं होता है। सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? देखिए दोस्तों ये सुचेता कृपलानी जी रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी और ये स्वतंत्र संग्राम सेनानी भी रही थी सुचेता कृपलानी, तो उत्तर प्रदेश की ये पहली मुख्यमंत्री भी रही थी। नई दिल्ली में समता स्थल का स्मारक है, ये किसका स्मारक है दोस्तों? समता जो स्थल है स्मारक है वह है बाबू जगजीवन राम जी का, ठीक है ना, इनको बाबू जी के नाम से भी जाना जाता है जगजीवन राम जी को। और जगजीवन राम जी जो हैं वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ, भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्र संग्राम सेनानी और राजनेता रहे हैं जगजीवन राम जी। महाराणा प्रताप निम्नलिखित से किस राज्य के 13वें राजा थे? महाराणा प्रताप का नाम आए और आपके जुबा पे मेवाड़ का नाम ना आए हो ही नहीं सकता, जो राजस्थान में आज मेवाड़ है उसी के ये पराक्रमी और महान शासक महाराणा प्रताप जी रहे हैं और इन्हीं से प्रभावित होकर शिवाजी और मलिक अंबर जैसे लोगों ने इनको आदर्श माना था और अपने राष्ट्र के लिए अपने देश के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो मेवाड़ के ये राजा रहे थे महाराणा प्रताप जी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी मस्जिद ये है ताजुल मस्जिद, ठीक ना, ये बड़े तालाब के जस्ट बाजू में है और ये ताजुल मस्जिद जो है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है, भोपाल में है, कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कन्फ्यूज मत होइएगा, ये इटारसी जंक्शन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इटारसी कहाँ है? होशंगाबाद में है। सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं? तो जो सरोजिनी नायडू हैं ये पहली जो राज्यपाल रही हैं वो उत्तर प्रदेश की रही हैं और सरोजिनी नायडू एक पोएट भी रही हैं, ये हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, हेल करती हैं। तो दोस्तों अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों क्यों मनाया जाता है पहले ये जानिए, ये जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका है उसने जो वीमेन वर्कर्स हैं उनको सम्मान देने के मकसद से इसे स्टार्ट किया था और 8 मार्च को ही इसके संबंध में एक आंदोलन हुआ था जिस वजह से 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था? कर्णावती ये अहमदाबाद जो गुजरात में एक शहर है उसको पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो अहमदाबाद में है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों देखिए जो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसका मकसद क्या था, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसका स्थापना किया, इसका जो उद्देश्य था जाति धर्म सबसे इतर होकर सभी भारतीयों को एकजुट करना था और ये अपने देश का पहला इकलौता धर्मनिरपेक्ष संगठन था जो कि वंचित ग्रामीण आदिवासी इन सभी लोगों के लिए सामाजिक कारणों को लेकर ये काफ़ी कंसर्न था, समर्पित था। तो कौन इसके संस्थापक रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले या जीके गोखले। निम्नलिखित में किस साम्राज्य ने इंदौर पर शासन किया? होता क्या है कि जब मराठा कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है ना, जब मराठा कमज़ोर पड़ गया तो उसके बाद चाहे वो सिंधिया हो चाहे होलकर हो सब अपने आप को अलग कर लिए और अलग से साम्राज्य स्थापित कर लिया। जो इंदौर क्षेत्र है वहाँ पे होलकर का शासन रहा था, ये सब मराठा के अंतर्गत ही आया करते थे और ये जो होलकर है इसका जो क्लेन है मराठाओं से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के निम्न किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? दोस्तों यहाँ पर दो हैं, इंदौर है और जबलपुर है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जबलपुर है, जहाँ पे 8 जिले कौन कौन से हैं? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। तो ये 8 जिलों के साथ जबलपुर इनमें से सबसे बड़ा संभाग बन जाता है। तो दोस्तों ये जबलपुर संभाग रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।